संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। पवन पुत्र हनुमान जी के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। जिंदगी के किसी ऐसे मोड़ में भी फंस जाए जहां से वापस आना संभव ना हो, किंतु यदि आप हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करते हैं तो पवन पुत्र हनुमान आपको बलपूर्वक सही स्थान पर ले आते हैं। हनुमान चालीसा का यदि नित्य जाप किया जाए प्रतिदिन विधि पूर्व, तो उससे होने वाले फायदों के बारे में आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। न केवल फायदे, आप उससे किसी भी प्रकार का रोग भी ठीक कर सकते हैं। हनुमान चालीसा की जो चौपाई है वो अपने आप में पूर्णतः मंत्र है। यदि आप हनुमान चालीसा का नित्य जाप करेंगे तो इससे होने वाले फायदों के बारे में आप भली भांति जान जाएंगे। और जैसे ही आप हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करते हैं, कुछ ही दिनों के भीतर आपको परिणाम दिखने लगेंगे। सबसे पहला परिणाम जो होगा वो यह होगा, यदि आपको किसी भी तरह का कोई डर परेशान करता है, हमेशा आपके मन में चिंता बनी रहती है, आपको नींद नहीं आती, आप चाह कर भी वो काम नहीं कर पा रहे जिसको आप हमेशा से करना चाहते हैं, या जिंदगी में भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो आप हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना शुरू करें और उसके बाद देखेंगे आपकी ज़िंदगी में कितना बदलाव आएगा। हनुमान चालीसा कोई भी जाप कर सकता है। मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि क्या हनुमान चालीसा कन्याएं भी जाप कर सकती हैं? जी हाँ, हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो कन्याएं भी कर सकती हैं, किंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्हें हनुमान जी को पहले अपना भाई स्वीकार करना पड़ेगा, अपने भ्राता के रूप में उन्हें देखना होगा, उसके बाद वह नित्य जाप कर सकती हैं। यदि हनुमान चालीसा का जाप सुबह तड़के ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, बहुत अच्छा प्रभाव मिलता है। लाल आसन पर बैठ के सर्वप्रथम श्री गणेश जी को याद किया जाए और उसके बाद प्रभु श्री राम के चरणों में अपना ध्यान लगाया जाए और हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, तो इस प्रकार हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जिन लोगों का किसी भी काम में मन नहीं लगता, वह हनुमान चालीसा का पाठ करें, उनका काम में मन लगने लगेगा और उनके जितने भी काम हैं वो सरल हो जाएंगे। जिनका कोई एग्ज़ाम है, कोई पेपर है, कोई परीक्षा देना चाहते हैं, या उनकी परीक्षा की तारीख बहुत नज़दीक आ गई है और उन्हें डर लगता है, तब उनको हनुमान चालीसा नित्य ही पढ़नी चाहिए। हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई अपने आप में मंत्र है और इसकी शक्ति आपको तब दिखने लगती है जब आप इसका निरंतर जाप करने लगते हैं। ज़िंदगी में जब कुछ भी अच्छा ना हो रहा हो, हर तरफ से निराशा आपके हाथ लग रही हो, कुछ मत कीजिए, सिर्फ हनुमान जी को याद करिए, उनके चरणों में अपने आप को सौंप दीजिए और वो आपको इस भव सागर से पार कराएंगे। नियम यही है कि आपको हनुमान चालीसा जाप करते वक्त अपने मुंह और हाथ पैर धो लेने हैं, यदि आप स्नान कर सकें तो बहुत अच्छा है, और लाल आसन पर बैठ के हनुमान चालीसा का जाप करें। हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवताओं में से हैं। हनुमान जी आज के समय में भी जीवित हैं और वह आपके पास आने में क्षण भी नहीं लगाएंगे, किंतु आपको उन्हें अपने सच्चे दिल से याद करना है और उनसे प्रार्थना कीजिए, उनसे बल, बुद्धि और विद्या का वरदान मांगिए, क्योंकि वे बहुत बुद्धिमान हैं, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, उनके पास अष्ट सिद्धियाँ हैं, आप सोच भी नहीं सकते इस हद तक वो आपकी मदद करेंगे। आपका सिर्फ काम है हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना। आप डेली हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना शुरू करिए। यदि आपके विवाह में कोई समस्या होगी तो वह भी दूर हो जाएगी। यदि आपके किसी से झगड़े हो गए या किसी ने आपका नुकसान किया है तो वो भी ठीक हो जाएगा।
कहने का तात्पर्य यही है कि हनुमान चालीसा एकमात्र ऐसी चालीसा है जो आपको वो सब कुछ देगी जो आप चाहते हैं। हनुमान चालीसा जाप करते हुए आपको खुद पता चल जाएगा हनुमान चालीसा में कितनी शक्ति है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे यदि आप सही तरीके से रोज़ाना हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा, हमने बहुत कुछ किया लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप हनुमान चालीसा का जाप करें, डेली नित्य जाप करें और जब आप रात में सोएं तो 21 बार श्री राम का नाम लेकर सोएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो जीवन में बहुत बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। हनुमान चालीसा के जो शब्द हैं उनमें एक अलग ही प्रकंपन होता है और जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, वाइब्रेशन हमेशा काम करती है। उसी प्रकार से जब आप हनुमान चालीसा जाप करते हैं तो आपके चारों ओर एक ऐसा ओहरा बन जाता है जो आपकी सुरक्षा करता है, आपको हर खतरे से बाहर निकाल लाता है। मैं ये नहीं कहता आप मेरी बात मानिए, मैं ये कहता हूँ कि आप खुद आजमा के देखिए। जब आप एक महीना लगातार हनुमान चालीसा जाप करेंगे तब आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर आएगा। एक महीना इसलिए कहा क्योंकि हर किसी के मनोभाव अच्छे नहीं होते, हमने पहले बहुत कर्म किए होते हैं, वो अच्छे हों बुरे हों उन सब का हिसाब चुकतु होता है, इसलिए कम से कम आप एक महीना हनुमान चालीसा का नित्य जाप करें और उसके बाद आपके जीवन में जो होगा वो मुझे ईमेल के द्वारा ज़रूर बताएं। यह हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम खुद भी जाप करते हैं और हमने भी हनुमान जी की जो चमत्कारी शक्ति है उसको देखा है, उसको महसूस किया है, उसको स्पर्श मात्र भी किया है। और इतनी चमत्कारी शक्ति है कि आप खुद जाप करेंगे आपको पता लगेगी। हनुमान चालीसा का वैसे तो कोई समय नहीं है, आप कभी भी जाप कर सकते हैं, प्रभु श्री राम को याद कर सकते हैं, किंतु यदि आप विधि पूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में करें, लाल आसन पर बैठ के सर्वप्रथम श्री गणेश को याद करें, उसके बाद श्री राम के चरणों में अपने जो पूरा ध्यान है उसको लगाएं और यदि आपके पास कोई तस्वीर हो श्री हनुमान जी की तो उनको तस्वीर के माध्यम से याद करते हुए हनुमान चालीसा का जाप करें और देखते ही देखते आपके सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे। आपको सिर्फ हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना है, बीच में एक भी बार छूटना नहीं चाहिए। यदि किसी ने आपके ऊपर काला जादू कराया है, आपने बहुत सारे ओझाओं बाबाओं के पास अपने इलाज करवाए लेकिन आप उसमें सफल नहीं हुए, आपने लाखों रुपए खर्च कर दिए और समझ में नहीं आ रहा क्या करें, किसके पास जाएं किसके पास ना जाएं, ऐसे जब स्थिति बन जाती है तो इसमें कुछ ना करें, नित्य हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू करें। वो जो काली शक्ति होगी वो आपको पाठ करने नहीं देगी, लेकिन फिर भी आपको हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना है और ऐसे करते करते वो जो भी बुरी शक्ति होगी वह अपने आप आपसे दूर हो जाएगी। जिन बच्चों की बुद्धि ज़्यादा नहीं चलती, जो पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पाते, उनसे मैं ज़रूर कहूँगा कि हनुमान चालीसा को ज़रूर याद करें, ज़रूर हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करें और उसके बाद देखें उनकी बुद्धि बहुत तेज हो जाएगी, उनका ध्यान पढ़ाई में शिक्षा में लगने लगेगा। यह आप किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं, यदि आप सही तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उसके रास्ते आपके लिए खुलने लगेंगे। और अंत में सिर्फ इतना ही कहूँगा, हनुमान जी के कुछ ऐसे मंत्र भी होते हैं जिनको यदि आप जाप करेंगे तो हनुमान जी की पूरी कृपा आपको मिलेगी, लेकिन फिर भी हनुमान चालीसा तो नित्य जाप करनी ही करनी है। हनुमान जी के कुछ मंत्र मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप मंत्रों को ज़रूर जाप करें और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें, वो भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। मेरा विश्वास है कि आपको वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गई होगी और हनुमान चालीसा के फ़ायदों के बारे में मैंने कुछ पंक्तियाँ आपके साथ साझा की हैं। बताने को तो बहुत कुछ है, अभी दिन से रात और रात से दिन हो जाएंगी, लेकिन फिर भी हनुमान चालीसा की जो पूरी गाथा है उसे मैं नहीं बता पाऊँगा।
आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप खुद आजमा के देखिए और जो आपके जीवन में होगा उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जो भी साधक हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं वह बखूबी जानते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से कितना बदलाव आता है जीवन में। अगली वीडियो में आपसे मैं ज़रूर मिलूँगा। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए किस विषय पर अगली वीडियो चाहते हैं और उसी विषय पर आपको अगली वीडियो ज़रूर मिलेगी। व्हाट्सएप पर संपर्क करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि अधिक संख्या में लोगों के मैसेज आ रहे हैं, तो आप हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क कीजिए। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।